हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत पुलिस थाना को मिली बड़ी कामयाबी, मात्र 2 दिन में 17 लाख की रुई गांठो चोरी वारदात किया पर्दाफाश। स्वयं ट्रक मालिक ही निकले मुलजिम चोर, इंश्योरेंस उठाने के चक्कर में जलाया स्वयं का ट्रक। पाली जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी के निर्देश और सोजत वर्ता अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार के सुपरविजन में सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मात्र 2 दिन में 17 लाख रुपए की रुई की गांठें चोरी और ट्रक चोरी मामले में बड़ा खुलासा और पर्दाफाश किया। पुलिस की जानकारी के अनुसार ट्रक को गायब कर रुई की गांठें गायब करने वाले स्वयं ट्रक चालक ही निकले। स्वयं ही अपने ट्रक को सुनसान जगह ट्रक को जला दिया और रुई की गांठें गायब की और स्वयं थाने जा इन शातिर ट्रक मालिक ने ट्रक चोरी का मामला दर्ज कराया। जानकारी अनुसार अपने ऊपर कर्ज के चलते एक ट्रक चालक मालिक ने इस वारदात को अंजाम दिया ताकि इंश्योरेंस से भुगतान उठा सके। सोजत थाना CI रामेश्वर लाल भाटी द्वारा गहन अनुसंधान और जांच में कामयाबी पाए, पुलिस ने दोनों शातिर मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और निशानदेह पर 17 लाख की रुई की गांठें बरामद की। पुलिस इन शातिर मुलजिमों से गहनता से पूछताछ में जुटी है, जिनसे और चोरी की वारदातें खुलने के आसार है। 22 नवंबर को हसन अली निवासी रणसी गांव ने उपस्थित थाना होकर लिखित रिपोर्ट पेश की कि कल रात को मैं बेरता सिटी से रुई की गांठें करीब 20 लाख का माल भरकर अहमदाबाद ले जा रहा था। रात को करीब 2 बजे के लगभग सागर होटल पे खाना खाने के लिए रुका। 20 मिनट बाद मैंने बाहर आके देखा तो कोई अज्ञात चोर मेरा ट्रक माल सहित चोरी करके ले गया। क्योंकि घटना गंभीर थी, उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया था, जिन्होंने गंभीरतापूर्वक इस वारदात को खोलने के निर्देश दिए, जिस पर थाना अजा पर टीम गठित की गई। मुस्तकिस से शुरुआती प्रारंभिक पूछताछ की गई, जिसमें भी घटना के प्रति थोड़ा संदेह लगा, जिससे सख्ती से पूछताछ की तो जिसने स्वयं ने ये वारदात करना कबूला। हसन अली ने अपने साथी हाकिम और जीतू भाटी रणसी गांव के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।